अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रूहानी वज़ाइफ टीचर की जानिब से खुश आमदीद। मेरे बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको एक छोटा सा अमल बताने जा रहा हूँ, उसके पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपके सारे गम और कर्ज से आपको निजात मिल जाएगी। बहुत छोटा सा अमल है, इस दुआ को आपने पढ़ना है और इस दुआ को आदत बना लेनी है, रोज़ पढ़नी है आपने। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए, उन्होंने देखा सहाबी अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप मस्जिद में क्यों बैठे हैं, अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं है। तो अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह के गम बहुत हैं और कर्ज़ बहुत है मेरे ऊपर, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको ऐसे कलमात बताता हूँ जिसके पढ़ने से आपके सारा कर्ज़ और गम दूर कर देगा अल्लाह ताला। तो इन कलमात को सुबह शाम पढ़ना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उमामा को नसीहत की कि आपको ये जो कलमात मैं बता रहा हूँ इनको पढ़ना है अपने सुबह शाम, अल्लाह ताला आपके सारे गम और कर्ज से निजात दिला देगा। तो ये जो कलमात हैं ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप ये नोट कर लीजिए और इनको आप सुबह शाम आदत बना लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके सारे गम कर्ज जो भी परेशानी है सब अल्लाह ताला दूर फरमा देगा और आपकी हर जायज़ दुआ जो भी है कबूल कर लेगा। सबसे मेन चीज़ आपका जो कर्ज है और गम है ये उसके लिए कलमात हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया है, तो इसको आप आदत बना लें। तो इन कलमात का मैं आपको तर्जुमा बता देता हूँ, आप नोट फरमा लें। ए अल्लाह, मैं पना चाहता हूँ तेरे ज़रिए से परेशानी और गम से, आजिज़ हो जाने और काहिली से, बुजदिली और बुखल से, कर्ज के बोझ और लोगों के तसल्लत से। तो नाज़रीन, आपने इन कलमात को पढ़ना है और सुबह शाम इसको आदत बनानी है। सैयदीना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि मैंने ऐसा ही किया और इन कलमात को पढ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, तो अल्लाह ताला ने मेरे सारे गम और कर्ज अदा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने मेरे सारे गम और कर्ज से मुझे निजात दिला दी, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, आप इसको आदत बना लें। रूहानी वज़ाइफ़ टीचर के वज़ाइफ़ और दुआएं जो मैं आपको बताता हूँ आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें सदक़ा जारिया के तौर पर, ताकि आपको भी इसका अजर मिले। रूहानी वज़ाइफ़ टीचर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबान।